Dear students, yesterday we discussed how the changes in pronoun take place when we change direct to indirect speech. Today we will discuss or learn what changes came in tense while changing direct to indirect speech. फेस्ट ऑफ ऑल प्रजेंट इंडेफिनेट टेंस चेंज इन टू पास इंडिफिनेट टेंस इन अदर वर्ड्स वी कैन से हम ये कह सकते हैं फेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फैस्ट फॉरम ऑफ वर्ब प्लस एस हो रही है चेंज इन टू सेकेंड फॉरम वर्ब की फेस्ट फॉरम या उसके साथ एस ही एस है तो सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा डज डू और डज प्लस फेस्ट फॉरम अगर है तो डिड प्लस फैस्ट फॉरम डू और डज डिड में चेंज हो जाता है प्रजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस चेंज इन टू पास कॉन्टीन्यूस इन अदर वॉल्स वी कैन से दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इज एम आर चेंज इन टू वाज वर् एग्जाम्पल सच एज ही सेड आई लाइक इट फेस्ट फॉरम ऑफ वर्ब है ही सेट दैट ही लाइक्ड इट लाइक फेस्ट फॉरम चेंज इन टू सेकेंड फॉर्म दे सेड वी प्ले हो क्यू दे सेट दैट दे प्लेड हॉकी फर्स्ट फॉरम चेंज इन टू सेकेंड मतलब प्रजेंट इंडेफिनिट चेंज इन टू पास्ट इनडेफिनेट सी सेट ही डज नॉट नो मी सी सेट दैट ही डिड नॉट नो मी डज चेंज इन टू डिट ही सेट वी आर ऑन टाइम जैसे उसने कहा हम टाइम पे हैं ही सेट दैट देर ओन टाइम प्रोनाउन जैसा हमने कल स्टडी किया था उसी हिसाब से चेंज होते रहेंगे इज एम आर चेंज इन टू वर यानी रवि सेड आई एम शैपलिंग ए प्लांट रवि सेड दैट ही वाज शैपलिंग ए प्लांट इज एम आर चेंज इन टू वर वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा यानी प्रजेंट इन सॉरी प्रजेंट कॉन्टीन्यूस चेंज इन टू पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस नेक्स्ट है प्रजेंट परफेक्ट चेंज इन टू पास परफेक्ट इट मीन्स हैज़ और हैव चेंजिंग टू हैड हैज़ हैव हैड में चेंज हो जाते हैं ही हैड सेट उसने कहा आई हैव डन इट ही हैड सेट दैट ही हैड डन इट हैव चेंजिंग टू हैड वर्फ थर्ड की थर्ड फॉर्म रहती है राम सेट टू मी यू हैव डन वेल राम टोल्ड मी दैट आई यू चेंज इंग टू आई और हैव चेंज इन टू हैड डन वेल प्रजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस चेंज इन टू पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस मतलब हैज हैव चेंज इन टू हैड ही सेट आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस नाइन ए एम ही सेट दैट ही प्रोनाउन चेंज होंगे आई चेंज इन टू ही हैव चेंज इन टू हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिन्स नाइन ए एम वरब में कोई चेंज नहीं आता है नेक्स्ट इज पास्ट इनडेफिनेट चेंज इन टू पास्ट परफेक्टेंस मीन्स सेकेंड फॉरम ऑफ वर्ब चेंज इंटू हेड प्लस थर्ड फॉरम और डेड प्लस फर्स्ट फॉरम चेंज इन टू हैड प्लस थर्ड फॉरम यानी सेकंड फॉरम है तो हेड थर्ड में होगा डेड प्लस फर्स्ट फॉरम है तो अब भी हैड प्लस थर्ड में जैसे ही सेट आई डिड इट यहाँ सेकेंड फॉरम ही सेट देट ही हैड इट सेकेंड फॉरम चेंज इन टू हेड प्लस थर्ड फॉरम Rani said to me you did not help me Rani told me that you change into i did not help did not plus past form change into had not third form i had not helped me change into her next is past continuous change, tense change into past perfect continuous tense it means was or were change into had been ही सेड आई वार स्लीपिंग जैसे उसने कहा मैं स्लीपिंग कर रहा था ही शेड दैट आई चेंज इन टू ही हैड बीन वार चेंज हैड बीन स्लीपिंग वर वैसी की वैसी नेक्स्ट है दे टोल्ड मी दैट सॉरी देड टू मी वी वार वेटिंग दे टोल्ड मी दैट वी चेंज इन टू दे वर वेटिंग वर चेंज इन टू हैड बिन दे हैड बीन वेटिंग चेंज इन अक्सलरीज एंड वर्ड ऑक्सलरीज और वरब में कैसे परिवर्तन होता है इन अदर वर्ड्स वी कैन से यानी टेंस में जो चेंज हुआ उसको यहाँ हम नट सेल में इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं डू और डज डिड में चेंज हो जाता है फर्स्ट फॉरम वरब इंटू सेकेंड फॉर्म सेकेंड फॉर्म चेंज इंटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज इंटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एज एम आर वाजवर में चेंज हो जाते हैं हैंज हेड में चेंज हो जाता है विल सेल वुड शुड में कैन में कुड और माइट में चेंज हो जाता है तो कैन कुड में और मे माइट में चेंज हो जाता है नोट जो चीज़ें विशेष रूप से हमें ध्यान रखनी चाहिए द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज ओनली वैन रिपोर्टिंग वार बीज इन पास टेंस रिपोर्टेड जो स्पीच हमारी होती है इसका टेंस तभी बदलता है जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो पास टेंस में हो जैसे यहाँ था ही सैड आई वाज स्लीपिंग जो सेड वर्ब है ये पास टेंस में ही सैड दैट यहाँ टेंस चेंज हुआ ही सैड टू टेंस में द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज वेन रिपोर्टिंग वर्बिन टेंस और फ्यूचर अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड जो स्पीच होती है उसका टेंस चेंज नहीं होता जैसे फॉर एग्जाम्पल ही सेज सेज़ प्रजेंट इन डेफिनेट टेंस वी हैव डन इट इनडायरेक्ट बनेगा ही सेज दैट वी चेंजिंग टू दे हैव डन इट प्रोनाउंस चेंज होंगे लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा हैव का हैव ही से इज आई एम बिजी ही सेज दैट आई चेंजिंग टू ही आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है ही के साथ इज ही इज बिजी राम विल से ही इज रीडिंग ए नावल राम विल से यहाँ टेंस क्या है हमारा रिपोर्टिंग वगैरह किसमें फ्यूचर टेंस में है तब भी हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा दैट ही इज रीडिंग ए नावल इज रीडिंग प्रजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस प्रजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में ही है यानी इज एम आर इज एम आर के अंदर ही हैज सेड ही हैज सेड ये भी क्या हमारा प्रजेंट परफेक्ट टेंस है आई स्पोक द ट्रूथ इनडायरेक्ट होगा इसका ही हैज सेड दैट ही स्पोक द ट्रूथ सेकेंड फॉरम सेकंड फॉरम के अंदर ही रहती है नेक्स्ट टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज वहन हैबिट सेइंग प्रोवर्ब और यूनिवर्सल ट्रूथ इज़ मैंसन इट इट कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमारे किसी हैबिट का वर्णन हो किसी कहावत का वर्णन हो या प्रोवर्ब्स हो या यूनिवर्सल ट्रूथ संचारिक संसारिक सच्चाई हो तो उसका टेंस चेंज नहीं होता फॉर एग्जांपल ही सेड आई गेट अ पर्ली यहाँ हैबिट है इसमें ही सेट दैट ही गेट्स अप अर्ली गेट चेंज इन टू गेट्स आई के साथ अगर फैश फॉर्म ऑफ वर्ब है तो एस आई एस का प्रयोग नहीं होता आई चेंज इन टू ही तो ही के साथ हमेशा वर्ब की फैशफ फॉर्म के साथ ए सी आई एस लगता है तो ही गेट्स अप टेंस वही है प्रजेंट इन टेंस ही सेट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस कहावत है ही सेट दैट स्लो एंड स्टड्डी विंस द रेस विंस का विंस ही रहता है वर्फ ही सेट द अर्थ इज राउंड यूनिवर्सल ट्रूथ है ही सेट दैट द अर्थ इज राउंड इज का इज ही रहता है चेंज नहीं होता ही सेट वाटर बॉयल्स एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस यूनिवर्सल ट्रूथ है ही सेट दैट वाटर बॉयल्स एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस बॉयल्स में कोई परिवर्तन नहीं आया He said that the Earth revolves around the Sun. Universal truth है यहाँ भी He said that the Earth revolves around the Sun. हमें ये चीज़ नोट करनी है यहाँ पे कि सिर्फ टेंस में कोई चेंज नहीं होता है कोमा इन्वर्टेड कोमाज़ को हटाकर उचित कंजेक्शन लगाई जाती है और प्रोनाउन्स में चेंज होता है आवश्यकता अनुसार